आज हम पढ़ेंगे क्लास जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम जानते हैं कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स को हम देख सकते हैं, यानी कि नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, और ये दुनिया के जंगलात का तकरीबन तीसरा हिस्सा कवर करते हैं, यानी कि दे कंस्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। इनके अंदर सीड्स तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं होते, इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर नॉन फ्रूटिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्रूटिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्मी का जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग ही नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्मी, इसमें जिम्नो का मतलब होता है दैट कैन बी सीन, यानी कि नेकेड, और स्पर्मी का वर्ड सीड से निकले। ठीक है, तो ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स को हम देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्मी में जो ओव्यूल है वो फर्टाइल लीव्स के ऊपर होता है, ओव्यूल, और इसको मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। ये जो फर्टाइल लीव्स हैं वो मेगास्पोरोफिल्स कहलाते हैं, और ये जो ओव्यूल है ये इनक्लोज नहीं होते बल्कि फर्टाइल लीव्स के ऊपर नेकेड होते हैं, यानी कि इनको देखा जा सकता है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्मी की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके अंदर रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं, और मुख्तलिफ किस तरह से कि स्पोरोफाइट को हम देखते हैं कि वो इसके अंदर डोमिनेंट होता है जबकि गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। फीमेल गेमेटोफाइट को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो परमानेंटली ओव्यूल के अंदर ही रहते हैं, और स्पोरोफाइट पार्ट में जब स्पोर्स बनते हैं तो वो हम इन प्लांट्स में देखते हैं कि दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, यानी कि टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। एक कहलाते हैं माइक्रोस्पोर्स और एक कहलाते हैं मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर ग्रो करते हैं जबकि मेगास्पोर्स मेगास्पोरोफिल के ऊपर ग्रो करते हैं। ये जो मेगास्पोर्स हैं इनके ऊपर ओव्यूल्स होते हैं और इन ओव्यूल में कोई फोल्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, और यही वजह है कि ये ओवरी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ओव्यूल, और ओव्यूल में हमने कहा है कि फोल्डिंग्स नहीं होती। या ऐसे मेगास्पोरोफिल्स जिनके ऊपर ओव्यूल्स होते हैं, मेगास्पोरोफिल्स के अंदर बेसिकली फोल्डिंग्स नहीं होती, और फोल्डिंग्स नहीं होती तो ये मार्जिन से ज्वाइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ओवरी कहते हैं। तो ये हमने देख लिए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास जिम्नोस्पर्मी। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स में हैं हमारे पास साइकस, पाइनस, टैक्सस, हेमलॉक, सिट्रस, किंको एक्सेट्रा। साइकस को हम सेगो पाम भी कहते हैं। इस इमेज के अंदर आप साइकस प्लांट को देख सकते हैं, मोस्टली ये गार्डन्स वगैरह में या घरों में भी इसको अक्सर रखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास पाइनस है जिसको पाइन भी कहते हैं। इस इमेज के अंदर आप पाइन ट्री को देख सकते हैं जिसके ऊपर कोन्स लगी हुई होती हैं। अक्सर हिली एरियाज़ में अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको इस तरह से पाइन्स दिखाई देंगी। इसके अलावा हमारे पास टैक्सस की एग्जाम्पल है। इस इमेज के अंदर आप टैक्सस प्लांट को देख सकते हैं। टैक्सस के बाद हमारे पास एग्जाम्पल है हेमलॉक, सिड्रस एंड गिंको की। सिड्रस को अगर हम देखें तो इस इमेज के अंदर आपको सिड्रस प्लांट दिखाया गया है, ट्री है बेसिकली, और मोस्टली जब भी आप हिली एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पे आपको इस तरह के पौधे नज़र आएंगे। तो ये है सिड्रस, इसे देवदार भी कहते हैं। तो ये हमने देख ली कुछ एग्जाम्पल्स क्लास जिम्नोस्पर्मी की। इसके बाद हम पाइनस को डिटेल में देख लेते हैं, पाइनस का स्ट्रक्चर और इसका लाइफ साइकिल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। पाइनस जिसे हम पाइन प्लांट भी कहते हैं, बेसिकली ये कॉनिफर्स होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोन्स होती हैं। इनके अगर हम प्लांट बॉडी को देखें तो मोस्टली इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट पे मुश्तमिल होती है, यानी कि हमारे पास स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर बनने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, मियोसिस होता है, और ये स्पोर्स किस चीज़ के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। अब कॉनिफर जो है इनको हम कहते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि इनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक कहलाते हैं माइक्रोस्पोर्स और एक कहलाते हैं मेगास्पोर्स।
माइक्रोस्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जबकि मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ये स्पोरेंजिया जो हैं ये सेपरेट कॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें हम मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स भी कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है तो ये क्या होगा, ये मेल कॉन होगी हमारे पास। इसी तरह जो मेगास्पोरेंजिया है ये क्या है, ये फीमेल कॉन है। ये दोनों मेल कॉन और फीमेल कॉन्स ये दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगी। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेल कॉन को देख लेते हैं। मेल कॉन जो है वो निस्बतन छोटे होते हैं साइज में, स्मॉल इन साइज, और ये मोस्टली क्लस्टर्स की फॉर्म में होती हैं। जो कि एक एक्सिस के अराउंड होते हैं, क्लस्टर ऑन एन एक्सिस। इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको मेल कॉन दिखाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि क्लस्टर्स की फॉर्म में है और एक ही एक्सिस के अराउंड उसके गिर्द जो हैं वो प्रेजेंट है। अच्छा, अब हर मेल कॉन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल्स बेसिकली वो पार्ट हैं जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और जब ये माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो बनते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और इस मेल गैमेटोफाइट को हम माइक्रो गैमेटोफाइट भी कहते हैं, माइक्रो गैमेटोफाइट। सो ऐसे माइक्रोस्पोर्स जिनके अंदर माइक्रो गैमेटोफाइट बनते हो उन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स, या ऐसे माइक्रोस्पोर जिनसे माइक्रो गैमेटोफाइट बनते हों उनको हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। सो माइक्रोस्पोर्स आर बेसिकली पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हवा से फिर मूव करके डिफरेंट लोकेशंस तक जा सकते हैं। पाइनस के अंदर जब हम देखते हैं तो इसमें पोलन ग्रेन्स के ऊपर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दे हैव विंग्स ऑन पोलन्स। ये दो विंग्स होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, और इन विंग्स का मतलब या इनका क्या फ़ायदा होता है मकसद, वो ये कि ये विंग्स की मदद से पोलन ग्रेन्स हवा में ज़्यादा अरसे तक रह सकते हैं और ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्मी में पोलन जो है वो इजीली फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रोसेस में इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि विदाउट इन्वॉल्विंग वाटर ये खुद ही से ट्रैवल करके फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुँच जाते हैं। और इनका ये जो बिहेवियर है ये बेसिकली एक एवोल्यूशनरी चेंज है, यानी कि एयर या विंड की मदद से पोलन ग्रेन्स का फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच जाना ये एक एवोल्यूशनरी चेंज है, जिसे हम एक इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं, और ये इम्प्रूवमेंट बेसिकली इन ड्राई एनवायरनमेंट में इनको सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा डिटेल में देख लिया मेल कॉन को। इसके बाद हम फीमेल कॉन की तरफ आ जाते हैं, फीमेल कॉन को भी देख लेते हैं। इसी तरह ये इमेज अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फीमेल कॉन दिखाई गई है। फीमेल कॉन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो ये कि ये साइज में थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, इट इज़ लार्ज इन साइज, और हर कॉन के ऊपर कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको स्केल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, ये डिफरेंट, इनको मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ये स्केल्स हैं, ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हर कोन में, ईच कोन हैज़ मैनी स्केल्स, और ये स्केल्स क्या चीज़ हैं, ये स्केल्स कहलाते हैं मेगा स्पोरोफिल्स, मेगा स्पोरोफिल्स। और ये मेगा स्पोरोफिल्स वो लीफ नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर मेगा स्पोर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दिख भी रहा है कि इसका थोड़ा सा वुडन टेक्सचर होता है, ये सॉलिड हार्ड होते हैं और वुडन टेक्सचर होता है इनका। यहाँ ये जो स्केल्स दिखाए गए हैं, हर स्केल की बेस पे दो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल जो हैं वो क्या हैं, वो एक मेगा स्पोरेंजियम है जिनके ऊपर एक इंटिगमेंट बनी होती है, इंटिगमेंट यानी कि एक लेयर बनी हुई होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है।
तो मेगा स्पोरोफिल्स को हमने देखा, मेगा स्पोरोफिल्स के ऊपर हम कहते हैं कि मेगा स्पोरेंजियम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हर मेगा स्पोरेंजियम में एक मेगा स्पोर बनता है और वो जो मेगा स्पोर है वो कहलाता है मदर सेल। और इस मेगा स्पोर के ऊपर मियोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होती है और ये मेगा स्पोर डिवाइड होता है इंटू 4 हेप्लॉयड मेगा स्पोर्स। अब ये जो 4 हेप्लॉयड मेगा स्पोर्स बने हैं इनमें से एक ऐसा मेगास्पोर होता है जो कि फंक्शनल होते हैं और वो एक फंक्शनल फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, जबकि जो बाकी 3 होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या अबॉर्ट हो जाते हैं। तो 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर्स में से हमारे पास जो गेमेटोफाइट बना वो क्या बना, वो एक बना, ठीक है। तो 1 फीमेल गेमेटोफाइट बन गया हमारे पास। और ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसके ऊपर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में एक या एक से ज़्यादा आर्चिगोनिया होते हैं और आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गेमीट या फिर एग प्रेजेंट होता है। तो ये हमने देख लिए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल कोन। इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अब पोलन जो है वो ओव्यूल तक किस तरह से पहुँचते हैं, वो पहुँचते हैं विद हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। वैसे तो ढेर सारे पोलेंस प्रोड्यूस होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ पोलेंस ही जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब्स बनाते हैं। तो पोलिनेशन के बाद क्या स्टेप हुआ, पोलिनेशन के बाद बनी पोलन ट्यूब्स। अब पोलन ट्यूब्स बनने के बाद एक से ज़्यादा एग्स भी फर्टिलाइज हो सकते हैं, यानी कि जब भी ये पोलेंस जाके एग्स के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो एक से ज़्यादा पोलेंस एक से ज़्यादा एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट में होगा क्या, इसके रिजल्ट में ये होगा कि मोर देन 1 जाइगोट बनेंगे। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही जाइगोट सर्वाइव कर पाता है और जो बाकी जाइगोट हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो एक जाइगोट सर्वाइव करता है ये फिर डेवलप होता है इंटू एम्ब्रियो। और हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है, यानी कि ये एम्ब्रियो और इसके ऊपर जो प्रोटेक्टेड एक लेयर होगी ये दोनों चीज़ें मिला के क्या बना रही है, बना रही हैं ओव्यूल। और हम जानते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो कहलाता है सीड। अब सीड में क्या होता है, सीड में बेसिकली एक एम्ब्रियो होता है और कुछ स्टोर्ड फूड होती है। ये सीड जब जर्मिनेट करता है तो एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बन जाता है। तो ये हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन को। जब हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पाइनस की लाइफ में डोमिनेंट स्पोरोफाइट जो है वो हैप्लॉयड गेमिटोफाइट के साथ ऑल्टरनेट करता रहता है, जिसके रिजल्ट में माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बनते हैं या माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं, और ये साइकिल जो है इसका वो चलता जाता है। इस इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे डिटेल में लाइफ साइकिल दिखाया गया है पाइनस का। सबसे पहले हम देखते हैं एक स्पोरोफाइट को, यानी कि हमारे पास एक प्लांट है पाइन का और उसके ऊपर दो तरह के कोन्स हैं, एक है फीमेल कोन और एक है मेल कोन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो दिखाया गया है ये क्या है, ये एक फीमेल कोन है जिसे हम मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं या मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं, जिसके ऊपर बेसिकली मेगा स्पोर्स बनेंगे। और ये वाला जो पाथ है यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोर्स दिखाएंगे, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम होगा उसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो ये हमारे पास फीमेल कोन है जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया है, इसके अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे। और मेगास्पोर्स हम जानते हैं कि मियोसिस के थ्रू बनते हैं, और मियोसिस में हमने कहा था कि एक जो मेगास्पोर है वो 4 मेगास्पोर्स बनाएगा और उन 4 में से सिर्फ एक जर्मिनेट कर सकेगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये 4 मेगास्पोर्स बने और इन 4 में से सिर्फ एक ऐसा मेगास्पोर है जो कि आगे ग्रो कर रहा है। जबकि अगर हम मेल कोन को देखें तो मेल कोन के ऊपर हम जानते हैं कि पोलन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आप पोलन्स को देख भी सकते हैं, माइक्रोस्पोर जो है बेसिकली, ठीक है। तो जो माइक्रोस्पोर है इनके अंदर पोलन्स बनेंगे, ये पोलन्स पोलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइज करेंगे एक मेगास्पोर को। जब ये फर्टिलाइज कर चुकेंगे तो हमारे पास बनेगा एक जाइगोट जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जाइगोट फिर ग्रो करता है और ग्रो करके बनाता है एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आप एम्ब्रियो को देख सकते हैं और एम्ब्रियो के अलोंग आप देख रहे हैं कि एक लेयर प्रेजेंट है
यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये एम्ब्रियो और इसके साइड की जो लेयर है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये कहलाते हैं ओव्यूल। तो ये पार्ट क्या है, ये है ओव्यूल। और क्योंकि ये फर्टिलाइज है तो हम इसको सीड भी कह सकते हैं, ये सीड है बेसिकली। इससे नेक्स्ट स्टेप में यही सीड आपको दिखाया गया है कि ये सेपरेट सीड है, और जब ये सीड ग्रो करता है तो ये एक न्यू स्पोरोफाइट बनाता है। तो ये एक साइकिल है जो चलता जाता है, और इस साइकिल में जब भी हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन होती है तो वो हमेशा डिप्लॉयड होती है, यानी कि उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पर्पल रीजन आपको दिखाया गया है इस सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल है, यानी कि 2n है। जबकि जब भी आपको गेमिटोफाइट दिखाया गया है, ये रीजन जहाँ पे गेमिटोफाइट है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है, यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये हमने देख लिया पाइन लाइफ साइकिल। आज के लेक्चर को समराइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने बात की है क्लास जिम्नोस्पर्मे की। सबसे पहले तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे क्लास जिम्नोस्पर्मे के। जिम्नोस्पर्मे जो है ये नॉन फ्लावरिंग नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, और इनके सीड्स को देखा जा सकता है, इसलिए हम इनको कहते हैं दे आर नेकेड सीडेड प्लांट्स। इसके अलावा एक खास बात कि ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। इसके बाद हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को देख लिया, और एग्जाम्पल्स की हमने कुछ पिक्चर्स भी देखी जिससे हमें क्लियर हो गया कि ये किस किस्म के पौधे हैं। इसके बाद फिर हम आगे लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। पाइनस के पहले तो हमने प्लांट बॉडी को डिस्कस किया, इसके ऊपर बनने वाले स्पोर्स को डिस्कस किया, फिर हमने बात की मेल कोन और फीमेल कोन की। मेल कोन साइज में थोड़ी छोटी होती है, क्लस्टर्स की फॉर्म में पाई जाती है, इसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इसके बाद जब हमने फीमेल कोन को देखा तो हमने कहा साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, वुडन टेक्सचर होते हैं, स्केल्स की फॉर्म में होते हैं, और इस पर मेगा स्पोर्स बनते हैं। और मेगा स्पोर्स अल्टीमेटली जब जर्मिनेट करते हैं तो उनमें से एक फीमेल गेमिटोफाइट बनता है विद एम्ब्रियो सैक। सुबह हमने फर्टिलाइजेशन की बात की। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि किस तरह से पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होता है एक जाइगोट, जाइगोट जब ग्रो करता है डेवलप होता है तो एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो जो है वो सीड कहलाता है, क्योंकि एम्ब्रियो के अराउंड एक कवरिंग होती है, एम्ब्रियो और कवरिंग वो दोनों मिला के हमारे पास एक सीड बनाते हैं। ये सीड जब ग्रो करता है तो एक सीडलिंग और उसके बाद एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बना देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट क्लास जिम्नोस्पर्मी एंड पाइनस लाइफ साइकिल।